के आदेश देते हैं कि अपने बंगले बजाकर अपनी पत्नी सुंदरी व हमारी बेटी कुशल को राज दरबार में बुला लियो। आप चिंता न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी दिल में चिंता न करिए भाई महाराज जी, सुंदरी को अभी बेटी गुशन व सुंदरी को साथ में लेकर आपके समक्ष पेश हो रहा हूं। जॉर्ज लाल सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं। जॉर्ज क्या राजू, मंत्री गिरिराज सिंह और सेनापति स्पाल सिंह, तुम दोनों मेरे दरबार के वफादार मुलाजिम। क्यों नहीं सम्राट, तुम लोगों पर मुझे फक्र है, तुम लोगों पर मुझे घमंड है कि मैं जितना आदेश करूंगा तुम लोग हमारे आदेश का पालन करो। क्यों नहीं सम्राट, आज मैंने अपने दिल में सोचा है कि सेनापति स्पाल सिंह की पत्नी सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन का लालन पालन किया है, उसके एवज में हम सुंदरी को पहाड़ी का क्या इनाम देना चाहते हैं, इसलिए कृपाल सिंह तुम्हें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। सम्राट, जब सुंदरी दरबार में हाजिर हो तो आप जैसा इनाम देना चाहे राजे वैसा इनाम देना। मैं केवल तुम्हारी सलाह जानता जानना चाहता। क्यों नहीं सम्राट, सब गटे उल्टी लगा देगा या गड़बा दिया है मान ला उसका मां बेटी छोड़ के वो बंदा लाता मां लेने देखता ही नहीं है ना। सुंदरी, मैंने तुम्हें राज दरबार में किसे बुलाया है? मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों एवं प्रिय भाइयों, आप लोगों के बेहद मांग पर फिर आप लोगों के बीच गंगा कैसेट के माध्यम से नौटंकी की शानदार प्रस्तुति आप लोगों के सामने। नमस्कार, और तो सब ठीक है ना? ठीक है जी। बात क्या है, सभी में
हर वक्त खुश नजर आते थे और आज मैं देख रहा हूँ बात क्या है जो कि तुम दोनों बहुत गंभीर नजर आ रहे हो। संजय भैया क्या हुआ? लगन का महीना चल रहा है भैया। लगन का महीना चल रहा है तो क्या हुआ? दुकान के ग्राहक पे ग्राहक, ग्राहक पे ग्राहक आते जाते हैं रहते हैं भैया। हम दोनों भाई न समय से गहना बना पाते हैं, न समय से पैसा वसूल पाते हैं, नहाना खाना तो छोड़ दीजिए साहब। भैया यहाँ हम दोनों भाई मिल करके आपको महीना भर में 50,000-60,000 फायदा दे रहे हैं। अगर एक नौकर और रख लिया जाए तो महीने में कम से कम 1-1.5 लाख का फायदा होगा। अभी नौकर की कमी है, एक नौकर भैया। देखिए राम बली और रमा बली। हाँ भैया। तुम दोनों भाई अच्छी तरह से मुझे जानते हो, काफी दिनों से मेरी दुकान पर रहा करते हैं। हाँ भैया। मेरा नाम संजय सोनकार है जी भैया, और परिवार में मैं अकेला हूँ। एक मेरी छोटी बहन है, उसके सिवा कोई नहीं है। कोई नहीं है परिवार भैया। मैं छोटा सा था तभी माँ बाप खत्म हो गए और तुम दोनों भाई हो। हाँ, आप भाई बहन और हम दोनों भाई, इसके सिवा कोई नहीं। और कोई नहीं परिवार में। तुम नौकर ढूंढने रखने के लिए कह रहे हो? हाँ भैया। तो ये बताओ मैं नौकर ढूंढने कहाँ जाऊँ? भैया आप आगे आइए। हाँ बोलिए, बताइए। आपके कहने के पहले हम दोनों भाई नौकर खोज रखे भैया। मेरे कहने के पहले तुम दोनों भाई नौकर ढूंढ रखे हो, इसलिए भैया दुकान और मकान की दोनों भाई हम जिम्मेदारी समझते हैं। ये बात तो ऐसा करो। हाँ भैया। पहले मेरी बहन सुंदरी को बुलवाइए। अच्छा, मैं अपनी बहन से सलाह लूंगा। बहुत अच्छा। वो नौकर रखने के लिए क्या कहती, क्या कहती है दीदी? इसके बाद बहुत अच्छा बैठिए भैया। सुंदरी दीदी को लगा के आओ। मैं सुंदरी, आज मैंने देखा रामबली और महाबली को, ये दोनों बहुत उदास थे। बात क्या है? मैंने उदासी कारण पूछा तो कहने लगे सेठ जी मैं दुकान